Hello students, today we will start the second topic or you can say the first topic. Pehla topic jo tha introduction tha electric potential, that means electrostatic potential humne jo start kiya tha ki electric potential kis tarah samjha ja sakta hai, even though uske sath potential energy bhi humne relate ki hai. To obvious hai ki point charge ki jo formula hai वो हमको अब आइडिया आ गया है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज है तो उसके सर्टेन डिस्टेंस पे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा. मतलब कोई भी बिंदुवत विद्युत भार है तो उसके सर्टेन अंतर पे आर अंतर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा. सो जो हमने लास्ट टाइम देखा है कि अगर मेरे पास क्यू चार्ज है सर्टेन डिस्टेंस आर, ये है क्यू पॉइंट चार्ज है विद्युत भार है और उससे आर अंतर पे मुझे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है तो ऑब्वियस है वो वी होगा यहाँ पे के क्यू बाय आर. इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है कितनी हो जाएगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर. तो ये पॉइंट चार्ज इसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो वो हमें फाइंड आउट करना आ गया है. और ये ऑब्वियस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने जो बोला है वो और कुछ नहीं है, वर्क डन करना होता है इनफाइनाइट से किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए इस गिवन पॉइंट पे. तो यहाँ पे मतलब क्या है, वन जो है हम इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आए हैं इस पॉइंट के ऊपर, तो उसको लाने के लिए इतना वर्क डन करना पड़ेगा. और अगर आप उसके बाद क्यू चार्ज को लेके आते हैं, टेस्ट चार्ज क्यू, क्लियर है, तो यहाँ पे Q आ जाएगा और वो बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी. सो पॉइंट चार्ज का हमको आइडिया आ चुका है. तो जैसे इस चैप्टर वन के अंदर हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्जेस की, मल्टीपल चार्जेस के लिए और देन आफ्टर स्पेशल केस इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो आज हम स्पेशल केस इलेक्ट्रिक डाइपोल ही स्टडी करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस के ऊपर और इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटर के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा. जो ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल और एट द इक्वेटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके लिए दोनों सेपरेट थियरी थी. एक्सिस के लिए अलग से थियरी है, इक्वेटर के लिए अलग से थियरी है, क्लियर है. इसमें हम दोनों चीज़ एक साथ लाएंगे. इसमें क्या, हम जनरल फार्मूला लाएंगे. जनरल फार्मूला इस तरह से लाएंगे कि मतलब डाइपोल के आसपास कहीं पे भी मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ढूंढना है सो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ. सो हमारा टॉपिक वही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसके आसपास स्पेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा वो हम आइडेंटिफाई करना है. सो मैं फिगर समझा देता हूँ. तो मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल है, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, ये डाइपोल की एक्सिस है. डाइपोल जिस एक्सिस पे खड़ा है ये उसका एक्सिस है, क्लियर है. सो ये डाइपोल एक्सिस है तो मतलब हमें इस एक्सिस पे भी पता होना चाहिए पोटेंशियल कहाँ पे कितना है. ये परपेंडिकुलर जो इस एक्सिस को बाइसेक्ट करके जाएगा वो उसका इक्वेटर है. सो ये मेरा इक्वेटर है, क्लियर है, 90 डिग्री पे सीधा, फाइन. तो अभी फिलहाल हमने क्या किया है कि हमने एक यहाँ पे पॉइंट लिया है पी, जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वी पी फाइंड आउट करना है हमें. अब यहाँ पे ऐसी जनरल फार्मूला डिराइव करेंगे कि उस फॉर्मूला के बाद मुझे यहाँ पे भी अगर ढूंढना है तो मिल जाए, यहाँ पे भी ढूंढना है तो भी मिल जाए. दैट मीन्स इस स्पेस में पर्टिकुलर कहीं पे भी मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ढूंढना है सो मैं आसानी से फाइंड आउट कर सकूँ. तो डाइपोल के बीच का सेपरेशन 2a जितना है, फाइन. प्लस क्यू चार्ज से ये पॉइंट पी जो है, प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट पी जो है वो आर वन डिस्टेंस पे है, माइनस क्यू चार्ज से पी पॉइंट जो है वो आर टू जितना है, क्लियर है. और उनके ओरिजिन जो इन दोनों का एक सेंटर पॉइंट है वहाँ से ये पी पॉइंट जो है आर है, क्लियर है. अब इसमें समझना ऐसा भी है कि अगर आप थोड़ा कंसिडरेशन ऐसा करें कि इन दोनों को ये मतलब मेरा जो डाइपोल है ना वो शॉर्ट डाइपोल है. क्या है, शॉर्ट डाइपोल. शॉर्ट डाइपोल मीन्स इन दोनों के बीच का ये सेपरेशन 2a जो है ना बहुत छोटा है कंपेयर टू दिस डिस्टेंस. ये जो डिस्टेंस मैंने लिया है ना वो अंतर काफ़ी बहुत बड़ा है इन दोनों के कंपेयर में, क्लियर है. तो ये मेरा शॉर्ट डाइपोल है, क्लियर है. तो इसका मतलब ऐसा है कि अगर ये फार डिस्टेंस पॉइंट है तो अगर मैं तीन लाइन को देखूँ तो वो तीनों तीन एक्चुअली एज अ पैरेलल कंसिडर कर सकता हूँ क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत फार है, क्लियर है. सो दैट मीन्स के एग्जाम्पल में आपको 11th स्टैंडर्ड में मैंने ऐसा बताया कि रेल के ट्रैक्स हैं,
पर जो ट्रेन के पटरी है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है हमारे पास कुछ फाइनाइट डिस्टेंस है, लेकिन जब ये दूर तक ये दोनों ट्रैक को एक साथ जाते हुए देख रहा हूँ फार डिस्टेंस तक, तो ये दो ट्रैक नहीं दिखेंगे मुझे, एक सिंगल ट्रैक बन जाएंगे पैरेलल। क्लियर है? तो अगर ये सेपरेशन इससे कम है तो दैट मीन्स ये तीनों तीन लाइन पैरेलल है, तो उसको सोल्व करने का तरीका भी इस तरह से है। पर अगर हम वो कंसिडर नहीं करते हैं तो हमारे पास जो फिगर दिया गया है उस फिगर के हिसाब से हम चलेंगे। यहाँ से मैंने पर्टिकुलर एक परपेंडिकुलर लाइन खींची है जो इस लाइन के ऊपर होते हुए जा रही है और यहाँ पे भी आएगी, तो एक पॉइंट यहाँ पे एन ले लेता हूँ, बराबर। अब ये ए एम और एन, ए एम एन, ये तीनों पॉइंट्स P से इक्वी डिस्टेंस पे है, एक समान अंतर पे हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये तीनों तीन सेम है। क्लियर है? तो एक परपेंडिकुलर खींच लिया है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ट्राइंगल बन जाएगा ए एम ओ, ए एम ओ, जिसमें M जो है परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे है, सो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सो अगर मैं यहाँ पे सेपरेट आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ तो M जो मेरा 90 डिग्री पे है, एक तरफ O है और एक तरफ A है, सो ये जो लाइन है वो यहाँ पे दिखेगी आपको। क्लियर है? एंड देन आफ्टर मैंने O के पास थीटा बनाया है, एंगल लिया है ये थीटा, ये P जिस एंगल पे है, ओके, तो वो थीटा बन गया मेरे पास। ये डिस्टेंस कितना है O से पर्टिकुलर A तक का, तो वो A जितना है, कितना है, क्योंकि 2 है ना पूरा, ये पूरा 2a है, तो ये कितना होगा a, तो ये a है, बराबर है। am हमको पता नहीं है कितना है, mo वो भी पता नहीं है कितना है, बट ये पता है कि oa जो है वो a जितना है। क्लियर है? तो वो हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला भी पॉइंट चार्ज की है कि एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे ढूंढा जाता है वो हमारे पास है, तो हम यही करेंगे। पहले प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल ढूंढेंगे, फिर माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल ढूंढेंगे और उन दोनों का फिर वेक्टर एडिशन मतलब समेशन करेंगे, क्योंकि ये स्केलर है इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज विद्युत भार की वजह से पी बिंदु के ऊपर विद्युत स्थितिमान कितना होगा वो हमें देखना है। तो प्लस क्यू चार्ज इसके लिए मैं वी प्लस लिख रहा हूँ, उसको क्या लिख रहा हूँ, वी प्लस, प्लस क्यू चार्ज का, तो ऑब्वियस है 1/4πε0, दैट मीन्स के, प्लस क्यू चार्ज है तो मतलब प्लस क्यू रहेगा अपॉन आर वन, डिस्टेंस कितना है आर वन। क्लियर है? स्केलर है सो वी डोंट हैव प्रॉब्लम। सो ये मेरा इक्वेशन नंबर वन हो गया। अभी वापस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट पी पे माइनस क्यू चार्ज की वजह से, माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, सो उसको हम लिखेंगे वी माइनस 1/4πε0, और यहाँ पे ये q माइनस है, क्लियर है, डिवाइड बाय r 2। सेकेंड इक्वेशन, तो p पे प्लस q चार्ज की वजह से माइनस q चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना कितना है इंडिविजुअल अकेले अकेले वो पता चल गया है। सो द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुल विद्युत विद्युत स्थितिमान, द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो अब मैं डाइपोल के लिए डिराइव कर रहा हूँ। तो पहले मैंने पॉइंट चार्जेस को मान के इंडिविजुअल फाइंड आउट किया है, सो वीपी मेरे को ऐसा बताएगा कि वीपी फाइंड आउट करने के लिए आपको वी प्लस प्लस वी माइनस इन दोनों का एडिशन करेंगे तो कुल विद्युत स्थितिमान कितना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है वो पता चल जाएगा। वैल्यू पुट अप करेंगे, V प्लस हमारे पास है 1/4πε0 Q बाय आर वन, प्लस फॉर्मूला का है लेकिन इसके पास माइनस है V माइनस का, क्लियर है, सो माइनस 1/4πε0 Q बाय आर टू, 1/4πε0 और Q दोनों में कॉमन है, सामान्य है, बाहर आ जाएगा 1/4πε0
और क्यू, ब्रैकेट के इनसाइड बचता है वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ये दो चीज़ बची है अंदर। अब हमारा काम ये है कि आर वन कितना है और आर टू कितना है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा ताकि आगे सॉर्ट आउट कर सके, बाकी अदरवाइज ये यहीं पर रुक जाएगा। सो अब आर वन मुझे ढूंढना है कि ये आर वन कितना है और ये आर टू कितना है, क्लियर है। मेरा सेंटर से जो डिस्टेंस है ना वो मुझे फिक्स पता है कि आर है ये, क्लियर है, सेंटर से ये डिस्टेंस आर है, फाइन। तो अब मुझे पर्टिकुलर उस फॉर्म में ही चाहिए और ये डिस्टेंस एक मुझे पता है ए, क्लियर है। तो ऐसा है कि आर वन आपको जो चाहिए तो फिगर में ध्यान से देखिएगा कि आर वन जो है इतना है, मतलब आर वन इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं ए पी, ए पी, ओके, और ए पी मतलब एम पी, ए पी जितना है मैंने पहले ही बताया था, ए पी जितना है उतना ही एम पी भी है। तो अब एम पी है सो एम पी फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि ये पूरी लाइन में से ओ पी में से ओ पी में से मैं ओ एम माइनस कर दूँ, ये ओ पी में से ओ एम माइनस कर दूँ तो इतना बच जाएगा, सो दैट मीन्स ओ पी माइनस ओ एम, सो दैट मीन्स आर वन हमें ऐसा मिलेगा ओ पी सर, क्लियर है। तो ओ पी तो पूरा आर ही है, क्लियर है, ओ पी पूरा आर है, सो दैट मीन्स आर माइनस ये, इसको माइनस करना है ओ एम को, सो ओ एम जो है मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, क्लियर है, एक साइड है मेरे पास ये थीटा है मेरे पास, क्लियर है। सो अगर इसमें आप ट्राइंगल के हिसाब से देखें तो कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर पासेनी बाजू मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, क्लियर है। इफ आई एम राइटिंग समवेयर दिस वन, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ओ ओ एम अपॉन ए, सो ओ एम क्या हो जाएगा आपका ए कॉस थीटा। तो ये वैल्यू क्या है, ए आपको पता होता है, एंगल आपने कितना लिया है वो भी आपको पता है, सो अब ये वैल्यू नॉन है, क्लियर है। सो ओ एम जो है हमारा वो आएगा ए कॉस थीटा, ये मिल गया आर वन। सिमिलरली आर टू, तो आर टू जो है उसमें ऐसा है कि ये बड़ा है इससे, फाइन है, यहाँ से ये डिस्टेंस तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब आर टू में कैसा है कि एक तो आर जितना तो आएगा डिस्टेंस ये, प्लस ये भी ऐड करना है बराबर, सो उसमें प्लस ए कॉस थीटा ऐड हो जाएगा, प्लस ए कॉस थीटा जो उसमें माइनस किया ना ये पार्ट वो उसमें ऐड करना पड़ेगा, सो आर टू इज इक्वल्स टू आप कह सकते हैं कि आर प्लस ए कॉस थीटा, दैट पोर्शन एडेड। और मैंने जैसे बोला ये शॉर्ट डाइपोल है, सो अगर फिगर देख के अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में फ़र्क है, फाइन, फिगर ड्रोम ने थोड़ा एनलार्ज करके किया है, लेकिन ये शॉर्ट डाइपोल मतलब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत मिनिमम है, सो बहुत मिनिमम होने की वजह से क्या हो जाएगा कि दैट मीन्स ये तीनों तीन लाइन मैंने जो बोला वो ऑलमोस्ट पैरेलल है, क्लियर है। सो व्हाट एवर द डिस्टेंस कंसिडर करते हैं उसके हिसाब से चलेगा, सो आर प्लस ए कॉस थीटा, क्योंकि ए भी बहुत नॉमिनियल होगा, बहुत छोटा होगा, सो मतलब सब डिस्टेंस जो है आर पे ही गिने जाएंगे, यहाँ पे आर माइनस ये ए कॉस थीटा करने से भी कोई ज़्यादा आर में फ़र्क नहीं पड़ने वाला, प्लस करने से भी, पर ये एक्यूरेसी के लिए है, शॉर्ट डाइपोल में एक्यूरेसी के लिए है कि प्लस और माइनस करने से आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा, क्योंकि ए की वैल्यू बहुत छोटी होगी, इवन तो थीटा आने के साथ और वैल्यू छोटी हो जाएगी, क्लियर है, फाइन। और कॉस वी नो दैट पर्टिकुलर जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है, थीटा जैसे इंक्रीज होता जाएगा वैसे वो वैल्यू डिमिश होती जाएगी, फाइन। सो अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट अप कर सकते हैं, आर वन की वैल्यू यहाँ पे और आर टू की वैल्यू यहाँ पे, सो वी पी हमारे पास आएगा वन क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, और आर वन मतलब वन अपॉन आर वन मतलब आर माइनस ए कॉस थीटा, फॉर्मूला का माइनस आर प्लस ए कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी पी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन
फोर पाई एप्सिलॉन ज़ीरो, तो यहाँ पे आएगा ये आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस, माइनस आगे आने की वजह से इसका साइन चेंज हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा। मेक श्योर ये आर माइनस ए कॉस थीटा ही यहाँ पे आया है लेकिन आगे माइनस है, सो इनसाइड द साइन विल चेंज अप, क्लियर है। और नीचे ए माइनस बी और ये ए प्लस बी है, ए माइनस बी ए प्लस बी दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फाइंड आर आर कैंसल आउट हो जाएंगे, फाइंड ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा टू ए कॉस थीटा क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन ज़ीरो टू ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला है पॉइंट पी पे, फाइन। लेकिन जनरली अभी इसको भी और सिंप्लीफाई करना होता है हमें, सिंप्लीफाई इन सेंस कि मतलब मैंने जैसे बोला कि मेरा ये शॉर्ट डाइपोल है, क्या है शॉर्ट डाइपोल है, तो मैंने तुमको यहाँ पे बोला था कि आर के साथ जो ये डिस्टेंस मैं ऐड कर रहा हूँ या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ, उससे आर को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि मेरा आर का डिस्टेंस बहुत लार्ज है, बराबर। और दो डाइपोल पॉइंट चार्जेस जो है प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज है वो दोनों के काफ़ी नज़दीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाले। सो फॉर शॉर्ट डाइपोल ऐसा हम लिखते हैं कि शॉर्ट डाइपोल के लिए आर जो है वो ए से काफ़ी बड़ा होता है, योर डिस्टेंस आपका ये डिस्टेंस जो होगा वो बहुत बड़ा है कम्पेयर टू दिस ए, तो इसका मतलब आप इसको इसके रिस्पेक्ट में इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। सो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा वी पी इज इक्वल्स टू क्यू इन टू टू ए कॉस थीटा डिवाइड बाय फोर पाई एप्सिलॉन ज़ीरो आर स्क्वायर। ये सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है। अब सिचुएशन ये है कि हमें आंसर जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी लाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में आंसर हमने डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में लाया है, पी के फॉर्म में, अगर आपको याद हो डाइपोल मोमेंट पी बराबर टू ए क्यू, पी बराबर टू ए क्यू टू ए क्यू, तो ये मेरा जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल है। सो वी पी इज इक्वल्स टू पी कॉस थीटा टू ए क्यू मतलब पी और कॉस थीटा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन ज़ीरो आर स्क्वायर। सो लास्ट एंड फाइनल ये फॉर्मूला ऐसी आ जाती है। अब इसमें ये ध्यान से अगर हम देखें कि अभी शुरुआत जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया तो उसके पहले मैंने आपको पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला बताया कि पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिरता है बाय वन बाय आर, कैसा है वन बाय आर, कि मतलब मैंने जो आपको बोला था कि वी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर होता है, किस में पॉइंट चार्ज में, कैसा पॉइंट चार्ज में। लेकिन यहाँ पे v अगर देखें p cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 सब कांस्टेंट है, तो यहाँ v जो गिर रहा है वो 1 बाय आर स्क्वायर से गिरता है, क्लियर है, क्योंकि डाइपोल है तो डाइपोल के लिए स्पेशल केस है। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसा ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 1 बाय आर स्क्वायर से गिरती है, 1 बाय आर स्क्वायर से गिरती है। लेकिन जब डाइपोल होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 1 बाय आर क्यूब से गिरती है। सो ये चीज़ यहाँ पे भी है पोटेंशियल के लिए भी, क्लियर है। तो ये हमें पता चल गया, ओके। तो ये जनरल फॉर्मूला, अब जनरल फॉर्मूला होने के बाद अब आपको खाली मैं दो काम जो है आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ सिंपल सा, वो आपको आइडिया भी दे दूंगा कैसे करना है। अब यहाँ पॉइंट पी ले लेते हैं, बराबर है, और एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं पी, क्लियर है। तो मतलब मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए एक्सिस के ऊपर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए इक्वेटर के ऊपर, एक्सिस और इक्वेटर, ये मैंने जनरल फॉर्मूला लाया है। तो अब मेरा पॉइंट अगर यहाँ आ गया तो डाइपोल के एक्सिस पे पोटेंशियल कैसा होगा वो हम फाइंड आउट करें, और उसके बाद इक्वेटर पे। तो क्या करना है आपको, खाली थीटा चेंज करना है, क्लियर है। सो थीटा चेंज करने के लिए मतलब अगर आप समझेंगे एक्सिस के लिए, इफ आई रब दिस पार्ट, 1 बाय आर स्क्वायर से गिरेगा, ये आपको पता चलना चाहिए पोटेंशियल 1 बाय आर स्क्वायर से गिर रहा है। सो एट एक्सिस थीटा आपका 0 डिग्री है,
थीटा आपका 0 डिग्री है, तो वी पी हो जाएगा पी बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाय आर स्क्वायर, कॉस 0 1 हो जाएगा, सो पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 बाय आर स्क्वायर, फाइन। एट इक्वेटर, सो इक्वेटर के लिए थीटा है 90 डिग्री, एंगल कितना घूम जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री घूम गया तो वहाँ पे वीपी कितना मिल जाएगा, 0, क्योंकि कॉस 90 0 हो जाएगा। सो इसमें ऐसा है कि इक्वेटर के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने फर्स्ट चैप्टर में फाइंड आउट किया है, एक्सिस के ऊपर भी फाइंड आउट किया है, इक्वेटर पे भी फाइंड आउट किया है। लेकिन इसमें कैसा है, एक्सिस के ऊपर पोटेंशियल आपको मिलेगा, लेकिन इक्वेटर पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे सब जगह पे 0 ही होगा, क्लियर है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको आगे काम आएगा, क्या कि हम फॉर्मूला जो स्टार्ट किया है कि जिसमें पोटेंशियल की फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ किया है हमने, बराबर है, क्योंकि हमने देखा है कि भाई सर V इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ E डॉट dr या E डॉट dl, तो E के ऊपर डिपेंड कर रहा है V, ओके, बट ऐसा नहीं है, क्लियर है कि अगर उसमें E कहीं पे 0 है तो पोटेंशियल 0 नहीं भी होगा, कहीं पे पर्टिकुलर पोटेंशियल 0 है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। उसका एग्जांपल ये है कि इक्वेटर के ऊपर पोटेंशियल 0 नहीं है, पोटेंशियल 0 है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, तो ये दोनों मतलब ऐसा है जो आगे काम चलेगा। तो ये मतलब आपने एक्सिस पे बता दिया, इक्वेटर पे बता दिया, क्लियर है। अगर आप घूम के भी इस तरफ आ गए, लास्ट एंड फाइनल, ये एक्सिस पे इस तरफ मैंने ढूंढा, अगर इधर ढूंढना है एक्सिस के ऊपर अदर साइड पे, तो पोटेंशियल उतना ही आएगा लेकिन माइनस साइन के साथ, क्योंकि कॉस 180 माइनस 1 हो जाएगा, क्लियर है। और वो ऑब्वियस ये भी बता रहा है कि आप किस तरफ हैं, नेगेटिव चार्ज की तरफ है, तो नेगेटिव चार्ज की तरफ है मतलब पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ है मतलब पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। तो ये हमेशा दिमाग में रखिएगा कि आप जो पॉइंट सिलेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट किसके पास है, प्लस चार्ज के पास है सो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज के पास है तो पोटेंशियल उसका नेगेटिव होगा। ये हमारे ह्यूमन बिहेवियर जैसा है, हम पॉजिटिव इंसान के आसपास रहते हैं तो हमारा पर्टिकुलर पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव इंसान के आसपास रहोगे तुम्हारा भी पोटेंशियल नेगेटिव ही रहेगा। सो 180 पे उतना ही आंसर आएगा लेकिन यहाँ पे आ जाएगा माइनस, क्लियर है। तो ये थियोरी को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा, ये मोस्ट IMP थियोरी है, क्लियर है पोटेंशियल के लिए, सो यू मस्ट नो वेरी वेल। इफ़ यू हैव स्टिल एनी क्वेश्चन, आपको कोई भी क्वेश्चन है इसके डेरिवेशन में या इसके फर्दर रिलेटेड कोई भी अदर क्वेश्चन है, सो यू कैन स्टिल आस्क मी, क्लियर है। थैंक यू वेरी मच।